और कोरोना ने आधा लाहौर सील करवा दिया। शहर के 61 मकामात 14 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि रास्तों की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कोरोना वबा बेकाबू होने पर सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर समेत पंजाब के 7 और मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के 21 इलाकों की 61 गलियां, मोहल्ले और ब्लॉक्स बंद कर दिए गए। कोरोना वायरस के बायस लाहौर के जिन इलाकों को बंद किया गया है उनमें रामनगर, बिलाल पार्क, अब्दुल करीम रोड, उस्मानिया कॉलोनी और रॉयल पार्क शामिल है। करीम पार्क के ब्लॉक नंबर 2, 3, 4 और अमीन पार्क की गली नंबर 1 को भी बंद कर दिया गया। ताजपुरा की गली नंबर 4 और निजामाबाद ई ब्लॉक की गली नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है। ताजपुरा शालम कॉलोनी की गली नंबर 2, अली मोहम्मद पार्क की गली नंबर 3 भी बंद कर दी गई है, जबकि जोहर टाउन के ब्लॉक बी, F2, J2 और ब्लॉक G3 को बंद कर दिया गया है। अगर पोश इलाकों की बात की जाए तो कनाल व्यू सोसाइटी के ब्लॉक बी, वाबला टाउन के ब्लॉक F2, गुलबर्ग ए का ब्लॉक 3, बंदू खान स्वीट से मस्जिद तलहा तक और नदीम तिक्का से तारिक कबाड़िया तक का इलाका मुकम्मल सील कर दिया गया है। इसके अलावा गुलबर्ग ब्लॉक B1, B2 और B3 मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। DHA फेज 1 और फेज 5 के तमाम सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, जबकि अस्करी 10 और कैवलरी ग्राउंड का शिराज विलास भी सील कर दिया गया है। उधर बारादरी मासूम शाह रोड की गली नंबर 2 सरबमोहर कर दी गई है, जबकि शादबाग की गली नंबर 2, शमा कॉलोनी की गली नंबर 4 भी बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ गुलिस्तान कॉलोनी की गली नंबर 5, 8, 9, 11, 13, 15, 26 और 27 भी सील कर दी गई हैं, जबकि कायदे मिल्लत कॉलोनी और कच्चा जेल रोड भी बंद कर दिया गया है। बौसिया कॉलोनी, अलहमद कॉलोनी और तारिक कॉलोनी भी आमदोरफ्त के लिए बंद होगी। मनावा में बिस्मिल्ला हाउसिंग स्कीम का ब्लॉक ए और ब्लॉक बी सरबमोहर कर दिया गया है, जबकि हुसैनपुरा और 1 बिनार वाली मस्जिद का इलाका भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सिराजपुरा और बिलाल कॉलोनी, धोबी मोहल्ला, जल्लो मोड़ और बाटापुर का इलाका भी सील है।